I hope you all are good and enjoying good health at your home. Today's our lecture is of subject science, class 4. It's unit number 4, moving things, people and ideas, and it's chapter number 10, force, work and energy. So today we will discuss chapter number 10, force, work and energy. First of all, I'll tell you what is force. Move करना by pushing and pulling is called the force. Means force is the push and pull. And work. Work is what? Work is done when you applied the force. जब आप force लगा रहे होते हो तो work हो रहा होता है. Especially हम कहते हैं work कब हो रहा होता है बेटे? जब कोई चीज by applying the force अपनी position change करती है. जब कोई चीज फोर्स के लगने से अपनी पोजीशन चेंज करती है देन वर्क इज डन. द नेक्स्ट वर्ड इज एनर्जी. एनर्जी इज द फोर्स. यानी जो आप एनर्जी किसी चीज को दे रहे हो, जो ताकत दे रहे हो और वो वर्क करने के काबिल होती है, दैट इज द एनर्जी. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है आपके पास सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है. ये एनर्जीज हैं बेटे जो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए अपना बुक पेज नंबर 77. आप इसमें वार्म अप एक्सरसाइज देखिएगा. वार्म अप एक्सरसाइज में बेटे आपको ये गिवन है बुक में. आप देखिएगा ये आपको एरोप्लेन है, फिर रोबोट है, ये एक माउस सा नजर आ रही है, कार्ट नजर आ रही है ना. अब बेटे किसको आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स दिस टॉयज टू मूव. व्हाट मेक्स दिस टॉयज टू मूव यानी कि कौन सी फोर्स, एनर्जी या काम यूज होगा तो ये चीजें जो है मूव करने के काबिल हो जाएंगे. आप अगर अपनी बुक में देखते हैं ना, ये एरोप्लेन देखिए बेटे, ये एरोप्लेन देखिए. इस एरोप्लेन में ये आपको एक इसकी वाइंडिंग टूल नजर आ रहा है. इस वाइंडिंग टूल को आप मूव करेंगे तो क्या होगा, एरोप्लेन विल एबल टू मूव. ठीक है, तो आप इस ब्लैंक में जो आपके एरोप्लेन के नीचे दी हुई है वहां पर वाइंडिंग राइट कर देंगे. आफ्टर दैट रोबोट देखिए, रोबोट के पास आपको जो है एक रिमोट नजर आ रहा है और जब आप रिमोट में सेल जो है वो इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो सेल है वो केमिकल एनर्जी दे रहा होता है इस रोबोट को और रोबोट जो है वो मूव करने के काबिल हो जाएगा. फिर ये माउस देखिए जो है वो पुल करेंगे, आप अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये माउस जो है वो मूव कर जाएगा. दिस इट्स जस्ट अ टॉय बेटे, ये खिलौने हैं आपके. ठीक है, एक्चुअल में ये कोई मशीन्स नहीं है. नेक्स्ट आप देखिए कार्ट. इस कार्ट को आप कैसे मूव करेंगे, ये आपकी हैंडल प्लेस है, आप इसको हाथ से पकड़ेंगे और आप इसे अपने से दूर मूव करेंगे तो क्या होगा, कार्ट जो है वो मूव करेगा, आगे की तरफ हरकत करेगा. अब बेटे आप देखिए ये चीजें कैसे काम करने के काबिल हुई, बाय यूजिंग वाइंडिंग एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बैटरी, देन बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ पुल एंड बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ पुश. बेटे नेक्स्ट जो है अब हमारा टॉपिक है, फर्स्ट आपकी बुक में भी फोर्स. फोर्स क्या है, फोर्स इज द पुश एंड पुल. पुश क्या है बेटे, जब आप इस चीजों को अपनी तरफ से अपने से दूर धकेलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर मैं लेती हूँ, इस मार्कर को मेरे पास अभी ये एग्जाम्पल है, मैं इस मार्कर को क्या कर रही हूँ, ऐसे पुश कर रही हूँ. ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको ऐसे करके मैंने पुश कर दिया, क्या किया मैंने इसे अपने से दूर मूव कर दिया. ये मार्कर को बेटे मैंने क्या किया, ऐसे करके मैंने पुश कर दिया. अब ये क्या हो गया, मुझसे दूर मूव हो गया. मीन्स दिस इज द पुशिंग फोर्स. अब यही जो है, यही मार्कर मैं ऐसे करके अपनी तरफ खींचती हूँ, ये हो गया पुलिंग फोर्स. अब इसकी एक और एग्जाम्पल है, आपके डेली रूटीन में आप अपने डोर्स ओपन करती हैं और क्लोज करती हैं. आप डोर जब ओपन कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इनसाइड जो अंदर की तरफ डोर ओपन करें, आप हैंडल्स को पकड़ेंगे और उसे ऐसे करके ओपन करेंगे. मीन्स अपनी तरफ आप उसे खींचेंगे, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं डोर को ना. अब ये क्या हो गया, पुलिंग फोर्स. अब वही डोर आप क्लोज करने जा रहे हैं, आप उसे ऐसे अपने से दूर की तरफ खींच देंगे, अपने से दूर की तरफ धक्का दे देंगे, तो ये क्या हो गया, पुशिंग फोर्स. मीन्स फोर्स इज द पुश एंड पुल. आपकी बुक में डायग्राम नजर आ रही है आपको पेज नंबर 77 पे. इसमें एक बॉय जो है वो बॉल थ्रो कर रहा है. बॉल जब थ्रो करते हैं बेटे आप, स्पेशली क्रिकेट प्ले करते हुए बॉल थ्रो करती हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, बॉल को अपने से दूर पुश कर रहे होते हैं, अपने से दूर फेंक रहे होते हैं. अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो पाँव से बॉल को आप किक करती हैं, तो दिस इज द पुशिंग फोर्स. आप पुशिंग फोर्स, अब वही बॉल जो आपने थ्रो की है, सेकेंड बॉल जो उसे कैच कर रहा है, उसे कैच कर रहा है बाय यूजिंग कैचिंग फोर्स.
अब वो कैचिंग फोर्स से अपनी तरफ जो है वो बॉल को कैच कर रहा है बेटे। यहाँ आपको ये बातें समझ आ जानी चाहिए दैट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द फोर्सेस। फोर्स क्या क्या कॉज कर सकती है। फोर्स कैन कॉज द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लें, आपके पास रबर बैंड है, आप रबर बैंड को फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे खींचते हैं आप, इट स्ट्रेच करते हैं, तो क्या होता है उसके साइज में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स से रबर बैंड के साइज में इंक्रीज हो गया। अब क्या है, आपके यहाँ बुक में डायग्राम भी नजर आ रही है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई भी सॉफ्ट मेटालिक रॉड ले लें, आप उसे अपने हाथ से जो है वो उसकी शेप चेंज करना चाहें, बेंड करना चाहें, तो वो बेंड हो जाता है इजीली। मींस बाय अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही लेते हैं हम बच्चे, जैसे एक कार है वो चल रही है, कार को आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार स्टॉप हो जाती है। अगर एक टॉप है, लट्टू जिसे आप कहते हैं ना, वो मूव कर रहा है, आप उसे अपने हैंड से टच करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे जिसे आप उसे रोकना चाहेंगे, आप फोर्स हल्की सी फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। अब बेटे क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इसके बिल्कुल बराबर हम कह सकते हैं फोर्स कैन मूव अ बॉडी। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कोई भी बॉडी जो है वो मूव करने लग जाती है। अब बेटे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब चेंज द डायरेक्शन, अब जब आप बॉल थ्रो कर रहे हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन बेटे वो चेंज हो जाती है। अ फोर्स कैन मूव, फोर्स हेल्प्स इन मूविंग अ बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। The next topic is the type of forces. Type of forces में बेटे आप board पर देखिएगा, different types of forces, three forces we are discussing in your chapter. One is the muscular force. Muscular force आपको name से बेटे जो है वो पता चल रहा है, means you are using your muscles in the muscular force. And next is the frictional force. Frictional force इसके लिए मैं उर्दू में एक word use करती हूँ, रगड़। इसका मतलब होता है रगड़ की फोर्स, यानी व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट द ईच अदर इज कॉल्ड देन द इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी बेटे, ग्रेविटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है कशिश सकल, यानी जमीन की कशिश, या जमीन की वो कशिश बेटे जिसकी हेल्प से जमीन कोई भी जो है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो कशिश, वो पार कहलाती है ग्रेविटेशनल पार। ठीक है बेटे, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। अब आ जाती हैं आपके चैप्टर की तरफ। व्हेन यू यूज योर मसल्स टू मूव थिंग्स यू यूज मस्कुलर फोर्स, एंड एनिमल्स यूज मस्कुलर फोर्स व्हेन दे यूज देयर मसल्स टू पुल अ लोड। अब अपनी बुक की डायग्राम में देखिएगा, आपको ये एक डायग्राम नजर आ रही है। एनिमल जो है वो एक जैसे कार्ट लाइक ऑब्जेक्ट है, ये एनिमल जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को खींचने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है वो अपनी जो फोर्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अगर आपकी एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टिक उठा रही हूँ ना, आई एम यूजिंग माय मस्कुलर फोर्स। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अ बकेट दैट इज फुल ऑफ वाटर, आप उस बकेट को उठा रहे हो ना, नीचे से ऊपर की तरफ आप जो है वो फोर्स अप्लाई कर उठा रहे हो, दैट वर्क इज जो वहां पर वर्क भी हो रहा है क्योंकि बकेट नीचे से ऊपर की तरफ आ गई है, मस्कुलर फोर्स भी यूज हो रही है। ठीक है, आपके मसल्स की फोर्स यूज हो रही है और जो है वर्क भी हो रहा है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, वर्क इज डन जब वर्क उस वक्त होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन भी चेंज करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर देन वर्क इज डन बाय अप्लाइंग द फोर्स। अब बेटे द नेक्स्ट, व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट कम्स डाउन, दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस पुल और फोर्स विच पुल्स ऑल द थिंग्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या है बेटे, वो पार जैसे पहले ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो पार जिसकी हेल्प से जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पार। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल थ्रो करते हैं बेटे ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है, वो वापस जमीन की तरफ क्यों आती है, कभी सोचा है आपने वो वापस जमीन की तरफ क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन अपनी एक फोर्स की हेल्प से हर चीज को अपनी तरफ खींचती है।
and this is done by the force of gravity. Next is the frictional force. Friction के लिए मैंने एक word use किया था आपके सामने, रगड़, रगड़ की ताकत बेटे. When two objects rub against each other, for example, these are my two hands and I'm rubbing them. अब ये जो force है, जो एक जैसे मैंने एक energy लगाई है ना, अपनी energy यहाँ तक लगाई है. अब क्या है फ्रिक्शनल की फोर्स, यानी इस हैंड की पाम और इस हैंड की पाम ने एक फोर्स लगाई है दोनों को स्टॉप करने के लिए, बट आई एम यूजिंग माय एनर्जी, जितनी एनर्जी मैं दे रही हूं वहां तक मेरा हैंड मूव करेगा, बाकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसे स्टॉप कर देगा. अब बेटे इसी तरह की एक और एग्जांपल, जब आप रोड पर जमीन पर चलते हैं तो क्या है आपका पांव जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, और अगर आप गौर करें कीनली जो है वो थोड़ा सा नोट करें, आपको महसूस होगा कि आप जमीन आप पीछे की तरफ छोड़ते जा रहे हैं और आपके पांव जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. अब जमीन और आपके पांव जो है वो एक फोर्स लगा रहा है, उन दोनों के दरमियान जो है रगड़ की ताकत, रगड़ की फोर्स पैदा हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. अब बेटे इसी के हवाले से द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस इट और मेक्स एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस इट. फॉर एग्जाम्पल इफ अ बुक स्लाइड्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ डेस्क, जैसे एक बुक है, नाउ आई हैव अ लाइक दिस, अब ये मैं इसको मूव कर रही हूं अपने टेबल के अक्रॉस. अब ये जो है मोबाइल जो है ये देखिए बेटी ऐसे मूव कर रहे हैं ना, जितनी मैं एनर्जी दे रही हूं ये वहां तक तो मूव करेगा, बट ये सरफेस एक दूसरे के साथ रगड़ की फोर्स जो है वो लगा रही है. अब वो रगड़ की फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प कर देती है. अब वो कह रही है एक बुक आप अगर लिए अपने डेस्क के साथ उसको जो है वो मूव करें, फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम द टू सर्फेसिस बीइंग प्रेस्ड टुगेदर क्लोजली कॉजिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सर्फेसिस. As such, frictions depends upon the nature of the two surfaces and upon the degree to which they are pressed together. Means कि frictional force जो है वो depend करती है आप कितनी जोर से, कितनी energy लगाकर उसे press कर रहे हैं और कितनी जो है वो यानी जो objects move कर रहे हैं उनकी nature क्या है, जिन्हें हम अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो रब कर रहे हैं. बेटे उसके बाद आपकी नाउ यू नो एक्सरसाइज है, नाउ यू नो एक्सरसाइज आपको जो है वो फिल करनी है विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स. आप स्कूल से हार्ड कॉपीज जो है वो नोट्स की रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क. वर्क इज व्हाट? वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, काम हो रहा होता है. मूव करना मीन्स के ऑब्जेक्ट जो है इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं तो पोजिशन भी चेंज कर. फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जब वो यहां से यहां तक बेटे मूव करेगी, देन वर्क इज डन, तो ही जो है काम होगा. अगर वो बॉडी यहीं पड़ी है और आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी जो है अपनी पोजिशन चेंज नहीं करी, देन देर इज नोट वर्क, देर इज नो वर्क, कोई भी काम नहीं हो रहा है फिर. अब क्या है बेटे, वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय यूजिंग फोर्स. व्हेन वी पुश और पुल अ बॉडी, वर्क इज डन ओनली व्हेन द बॉडी मूव्स. अब आप देखिएगा आपकी डायग्राम है बुक में कि एक चाइल्ड जो है वो पुशिंग अ वॉल, एक वॉल को पुश करना चाह रहा है चाइल्ड. अब आप देखें, आप अपने आप को देख लीजिए, आप जोर लगा रहे हैं कोई भारी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए, बट आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप पुश भी कर रहे हैं, आप फोर्स भी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी यूज कर रहे हैं, बट वॉल आगे नहीं जा रही, मींस देयर इज नो वर्क डन, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा. नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिएगा ये बॉल को किक करेगा बॉय, और बॉल क्या करेगी बेटे, उसके पाओ के पास से बच्चे से दूर चली जाएगी बाय अप्लाइंग द फोर्स, तो यहां क्या होगा, वर्क डन होगा. नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है बेटे सिंपल मशीन. अब ये वर्क जो है बेटे वर्क से ही रिलेटेड है, जब हम काम कर रहे होते देन वी आर यूजिंग सम टाइप्स ऑफ द मशीन, और मशीन बेटे हम उस टूल को कहते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं, जो हमारे वर्क को आसान बना देते हैं. यहां आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स की, मैंने पिक्स के थ्रू कोशिश की आपको दिखाने की. दिस इज द लीवर, दिस इज इंक्लाइंड पिन, दिस इज व्हील एंड एक्सल, एंड दिस इज पुली. आप देखिएगा इसमें ये आपको पुली जो है ऐसे शो हो रही है. अब बेटे ये वो सारे टूल्स हैं, ये वो सारी मशीन्स हैं जो हमारे काम को बहुत आसान कर देती हैं और हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती. अब लीवर आप देखें इस तरह से, कोई भी आप ये अपने जो है वो
आपका एक टाइप का ये प्ले भी होता है। आप क्या करते हैं, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस साइड पर एक फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो अब किसी भी ऊंची जगह पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। व्हील एंड एक्सल, ये मैं आपकी रीडिंग के साथ साथ बेटी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकती हूँ। टाइप्स ऑफ द मशीन, टाइप्स ऑफ द मशीन लीवर पुली, व्हील एंड एक्सल, इनक्लाइंड प्लेन, इसके अलावा वेज भी होती है बेटे, और वेज के साथ स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं। स्क्रू जो घर में आप पेचकस वगैरह जिसे कहते हैं ना, दीज आर कॉल्ड लाइक द स्क्रू ड्राइवर। अब लीवर क्या है बेटे, इज यूज टू लिफ्ट और मूव द थिंग्स, जैसे प्लायर्स है, टॉन्ग्स है, नट क्रैकर है, आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द लीवर। आप अपनी बुक में देखिएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नट क्रैकर। नॉर्मली हम यूज करते हैं ये टूल, ये मशीन, और इसके अलावा टॉन्ग्स हैं, ये भी लीवर की एग्जांपल। नेक्स्ट इज द पुली। पुली की मैं तो एक एग्जांपल देती होती हूँ, जैसे पुराने वक्तों में, अब तो हमारे यहाँ वेल्स नहीं होते ना, कुएं नहीं होते, तो कुएं से जो पानी निकाला जाता था ना, उसमें क्या होता है, एक उस वेल के ऊपर उसकी एजेस पर ना दो पॉइंट्स होते थे, और उस पॉइंट्स के ऊपर एक इस तरह ना बेटे, जैसे ये वेल के ऊपर लगा हुआ है, अब इस पर एक रॉप वो लगाते थे, अब ये चीज घूमती थी, अब ये ऐसे पुली की तरह काम करती थी, वो जो रॉप होती थी इसके अगेंस्ट ऐसे कर खींचते थे, पुश करते थे, तो क्या है, जो बकेट जो थी वो ऊपर आ जाती थी पानी भरकर, और जैसे उसको रिलीज करते थे, फ्री करते थे, वो बकेट जो है वापस जो है वो नीचे कुएं से पानी भरने के लिए नीचे चल जाती थी। अब ये जो चीज है, ये जो जगह है जहां पर रॉक मूव कर रही है और उस बॉडी को ऊपर और नीचे ले जाने में हेल्प कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ पुली। आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं, पुली यानी ये जो चीज है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट, आप जब इस रॉक को अपनी तरफ जो है वो पुल करेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, हैवी ऑब्जेक्ट ही नॉर्मली हम उठाते हैं, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इट विल चेंज इट्स पोजिशन, मीन्स वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स from one place to another, means work is done. Next is the wheel and axle. Wheel and axle, आप देखिएगा इस डायग्राम में, this is the wheel and axle. आपकी साइकिल्स आपके पास होती हैं, आप अपनी साइकिल में देख सकते हैं, एक बड़ा पहिया होता है और उसकी जो फिक्सिंग होती है, जैसे मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देती हूँ, ये फिक्सिंग होती है यहाँ पर, this is the axle of this wheel. ठीक है बेटे, अब ये व्हील जो है वो इस छोटी फोर्स यानी इस जगह पर वो एक छोटे एरिया से जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, दिस इज कम्प्लीटली कॉल्ड एज अ व्हील एंड एक्सल। इसको मैं डिस्क्राइब भी करती हूँ, व्हील एंड एक्सल इज मेड अप ऑफ द टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप इसमें देख रहे हैं मैंने ये टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, और यहां पर भी देख लीजिए आप, ये भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है बेटे, और ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है इस स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट से, ठीक है बेटे। अब ये क्या हो रहा है, In which one object is bigger than the other, one is the wheel and other is an axle. Giant wheel and the bicycle pedal are some of the examples of the wheel and axle. Next point is the inclined plane. Inclined plane बेटे एक surface होती है जिसका one end जो है वो upper होता है यानी ऊपर की तरफ होता है, और second end जो होता है वो lower होता है यानी नीचे की तरफ होता है, और क्या होता है, कोई भी heavy material जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ normally या easily जो है वो पहुंचा दिया जाता है, this is also the simple machine. अब वो कह रही है एक slope है जिसका one end जो है वो ऊंचा होता है, higher होता है, और अदर एंड जो है वो लोअर होता है। नेक्स्ट इज द वेज। वेज आप अपनी इस डायग्राम में देखिएगा बेटे, आपकी बुक में ये डायग्राम नजर आ रहा है, ये एक मेटालिक कोई भी मटेरियल से बना होता है जिसका एक साइड जो है वो चौड़ी होती है। मैं यहाँ आपको डायग्राम भी थोड़ी सी शो कर देती हूँ। वेज की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब ये जो बेस है ये चौड़ी है, आप देखें ये थिन होती है। अब ये आप इंसर्ट कर देते हैं कोई भी आपको वुड, अगर जो है वुड को कट करना है आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या है उस वुड को कट करने में इजीली आपको हेल्प कर देता है। क्या है, वेज हैज अ शार्प एजेस ऑन वन साइड एंड ब्लंट ऑन द अदर, इट इज यूज टू कट और स्प्लिट ऑब्जेक्ट। नाइफ एंड एक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेज। अब नाइफ और कुल्हाड़े जो होते हैं ना वो वेज की ही एग्जाम्पल होते हैं। स्क्रू ये भी एक थिन कोन की तरह के होते हैं, एंड विद अ स्पाइरल रिजेस और थ्रेड्स रनिंग अराउंड इट। ये आप देख लीजिएगा, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट टॉपिक इज द एनर्जी। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी। वी विल डिस्कस इन दिस
sources of energy and forms of energy. First of all, there are different sources of energy. Solar energy जो हम सूरज से हासिल करते हैं, wind energy हवा से हासिल करते हैं ये energy हम, and water energy हम पानी से हासिल करते हैं. Geothermal energy. Geo means earth and therm means heat. Means जमीन की heat से जो हम energy हासिल करते हैं, that is called जियोथर्मल एनर्जी. बेटे आप अपनी इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ही आपको कुछ एग्जांपल बताई सोलर एनर्जी की. तो आप एग्जांपल ले लें सोलर पैनल जो आप घरों में यूज करते हैं ना, आप लोग क्या होता है सूरज की जो हीट होती है, सूरज की जो लाइट होती है, उसको आप हमारी सोलर पैनल जो है वो यूज करती है और चेंज करती है इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी से फॉर्म ऑफ एनर्जी बन रही है आपके पास. अब इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं ये विंड एनर्जी. अब ये विंड एनर्जी, ये बेटी विंड मिल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है विंड मिल्स का. अब क्या होते हैं ये इसके ब्लेड्स होते हैं, जैसे जैसे हवाएं चलती हैं तो ये विंड के जो ब्लेड्स हैं, जैसे पंखे के ब्लेड्स होते हैं ना, हमारे फैन के ब्लेड होते हैं, तो ये इसी तरह के ब्लेड्स होते हैं. ये विंड एनर्जी से, हवा की ताकत से ये मूव करते हैं और इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और वो हमें दे रहे होते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है बेटी, यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी है बेटी, हीट है, लाइट है एंड साउंड है. ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. अब हम डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. आप सबको ही पता है हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हीट एंड लाइट इज द सन. यानी सन हमें एनर्जी भी दे रहा होता है, हीट भी दे रहा होता है और लाइट भी दे रहा होता है. एंड दिस इज द मेन, द लार्जेस्ट एंड नेचुरली अकरिंग सोर्स ऑन दिस अर्थ. We get heat and light from the sun. The green plants trap this energy and make food. Green plants जो हैं आपको पता है producers कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं by using the heat of the sun. अब बेटी we get fuel such as wood and coal from the plants. अब हम जो plants से fuels हासिल करते हैं, जैसे wood plants से बनती है ना, इसके अलावा coal, they have stored heat energy in them. अब वुड को जब बर्न करते हैं, जब जलाती हैं हम, तो क्या है हमें हीट भी मिलती है बेटे और लाइट भी मिलती है. मीन्स दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ हीट एंड एनर्जी. सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स. अब बेटे आफ्टर दिस देर इज अ वॉटर एनर्जी. वॉटर एनर्जी आपने डैम्स का सुना है, डैम्स आर द सोर्सेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई डैम्स आर द एंड हाउ डैम्स आर द सोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेटे क्योंकि जो पानी है, डैम एक असूल पर बनाए जाते हैं. मीन्स कि पानी जो है वो थ्रो होता है फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. जब पानी हायर लेवल से लोअर लेवल पर थ्रो हो रहा होता है तो यहाँ पर जो है वो टर्बाइंस लगी होती हैं. टर्बाइंस जो हैं वो दीज आर ऑल्सो वर्क ऑन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर. जो आपके जैसे ब्लेड्स होते हैं ना पंखे के, इसी तरह के ब्लेड्स होते हैं टर्बाइन में भी. जब वो पानी थ्रो करते हैं तो ब्लेड्स मूव करते हैं. ब्लेड्स जैसे पानी की स्पीड बढ़ती जाती है, ब्लेड्स के मूव करने की स्पीड भी बढ़ती जाती है. तो जो मूवमेंट एनर्जी है, जो ब्लेड्स की मूवमेंट एनर्जी है, यही एनर्जी चेंज हो जाती है इंटू द मैकेनिकल एनर्जी. और वो मैकेनिकल एनर्जी आगे चेंज हो रही होती है जनरेटर्स के थ्रू इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इन दिस वे वॉटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज कॉल्ड द वॉटर एनर्जी. नेक्स्ट इज द जियोथर्मल एनर्जी. मैंने आपको नेम से ही बताया है दैट जियो मीन्स अर्थ, थर्म मीन्स हीट. मीन्स जमीन के अंदर जितनी भी हीट है उसकी मदद से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दिस इज कॉल्ड एज द जियोथर्मल एनर्जी. द हीट स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एज द इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बेटे डू यू नो, आपका है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 81 पर. इसमें बताया हुआ है दैट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोल हैव बीन इन यूज फॉर मेनी ईयर्स. Means these are the fuels that we get from the earth. For example, earth पर ही plant होते हैं तो wood हासिल करते हैं, coal and petrol. आपको पता है ये जमीन से ही जो है वो निकाले जाते हैं और ये आजकल इनका इतना uses हो रहा है and they are in limited quantity. जितना ज्यादा इनका use हो रहा है उतनी ही इनकी जमीन में जो है वो कमी हो रही है. So we should avoid the use, the excess use of these fuels.
बेटे नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप अपने बोर्ड पर भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन की हैं, अगेन बता रही हूँ आपको. इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एंड साउंड ये बोथ आर ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स. फॉर्म्स आपके सामने है बोर्ड पर. अब यू मस्ट हैव सीन द वर्किंग ऑफ फैंस एंड मिक्सर्स इन योर हाउसेस. अब जिस बेटे एनर्जी, जिस फोर्स, जिस भी हेल्प से फैन मूव करता है, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं मूव करते हैं, हमें हवा दे रहे होते हैं. कभी आपने एवर यू थॉट अबाउट दैट कि ये कौन सी एनर्जी यूज करें? अब आप देखें चल रही इलेक्ट्रिसिटी पर हैं, दे हमें हवा रहे हैं. अब ये है बेटी चीजें जो सोचनी चाहिए आपको. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट दीज मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सम ट्रेन्स टू रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अब ट्रेन देखें क्या करती है, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है ना. पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ट्रैवल करती है, लेकिन वर्क किस पर कर रही है, वो हीट पर भी करती है ट्रेन और इलेक्ट्रिसिटी पर भी करती है. सो हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इसके अलावा बेटे आप अपनी बुक में देखिएगा, यू कैन ब्रेक ऑफ अ फ्रूट हाई अप ऑन अ ट्री बाय थ्रोइंग अ स्टोन. आप एक पत्थर फेंकते हैं और दरख्त से हम कोई भी फल जो है वो तोड़ सकते हैं बेटे. क्यों? क्यों हम यूज करते हैं हमारी मस्कुलर फोर्स, ठीक है, और जो फ्रूट है वो टूट कर एक स्टोन की स्टोन लेकर जाता है वो फोर्स एनर्जी, और वो अप्लाई करते हैं उस फ्रूट पर और फ्रूट जो है वो नीचे हमारे पास आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल फोर्स. नेक्स्ट इज द साउंड एनर्जी. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्ले म्यूजिक. अब इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करती है ना हमारे टेप रिकॉर्डर्स, हमारे जितने भी स्टीरियो वगैरह हैं. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू प्ले म्यूजिक सिस्टम और रेडियो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी. बट हमें तो म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है, हमें करंट तो नहीं लग रहा होता, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं मिल रही होती, हमें तो आवाज आ रही होती है म्यूजिक की. सो दिस इज कॉल्ड एज द साउंड एनर्जी. नेक्स्ट बेटी एक बोर्ड पर मैंने आपकी एक्टिविटी मेंशन की है, आप इसको देखिएगा. ये आपकी एक्सरसाइज से पार्ट बी, टिक द सिचुएशन वेयर वर्क इज डन इन द पार्क. बहुत एक्सप्लेनेशन से बेटे मैंने आपको बताया है दैट व्हेन इज वर्क डन. काम होता कब है? काम तब होता है जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और चीज मूव कर रही है, अपनी पोजीशन वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक चेंज कर रही है. अब आपके पास फर्स्ट सिचुएशन वो दे रहे हैं, अ बॉय किक्स अ बॉल एंड बॉल मूव्स फॉर अवे. अब ये बॉय जो है बेटे, इसने बॉल को किक की है और बॉल ने देखिए पोजीशन चेंज की है यहां से यहां, तो आप इस सिचुएशन को टिक कर देंगे. मींस वर्क जो है यहाँ पर हो रहा है. सेकंड पॉइंट देखिएगा, हिज फ्रेंड रन्स आफ्टर द बॉल एंड किक्स इट जेंटली एंड द बॉल मूव्स जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस. अब इसका फ्रेंड जो है, इसने जो है जेंटली मूव किक किया है बॉल को और बॉल जो है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस जो है बॉल ने कवर किया है. बेटे थोड़ा डिस्टेंस कवर किया है, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है. बॉल ने अपनी पोजिशन चेंज की है, मीन्स यहाँ भी वर्क डन हो रहा है. थर्ड आपके पास सिचुएशन दी है, अ चाइल्ड ट्राइज अनसक्सेसफुली टू लिफ्ट हिज मदर्स हैवी बैग. ये देखिएगा आप डायग्राम में कि बच्चा जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो बच्चा जो है जोर से दीवार को धक्का तो दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, लेकिन दीवार कहाँ हिलती है, वो अपनी पोजीशन पर प्लेस्ड है. इसी तरह ये बेबी जो है ये अनसक्सेसफुली ट्राई कर रहे हैं अपनी मदर के हैवी बैग को उठाने, बट फेल हो रहा है, नहीं उठा पा रहा. तो मीन्स बैग ने पोजीशन चेंज नहीं की, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो यहां पर काम नहीं हो रहा. आप इस सिचुएशन को क्रॉस कर देंगे, मींस कि यहां वर्क नहीं हो रहा. फोर्थ केस है आपके पास, अनदर चाइल्ड इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग. अब ये देखिएगा, ये बच्चा जो है स्विंग पर स्विंगिंग कर रहा है, ये स्विंगिंग करते हुए क्या है, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा. इस मूवमेंट में अपनी पोजिशन बच्चा चेंज करता है, मीन्स यहां काम हो रहा है. फिफ्थ केस है, अ चाइल्ड इज स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड. ये बच्चा देखें ये स्लाइड से नीचे आ रहा है, तो बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यहां इस पोजीशन से यहां तक आ जाएगा, मींस कि यहां भी काम हो रहा है. आप इस सिचुएशन को भी टिक कर लेंगे बच्चे. नेक्स्ट आपके बेटे ये जो एक्सरसाइजेस हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ड्राइंग की भी क्वेश्चन आंसर्स आपके इंक्लूड हैं आपकी एक्सरसाइज में बेटे. एंड देयर इज ऑल्सो अ टास्क. टास्क में आपने करना है लुक एट द पिक्चर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन साइट. एक कंस्ट्रक्शन साइट की उन्होंने पिक्चर ली है. नेम द सिंपल मशीन्स दैट आर बीइंग यूज्ड.
अब इसमें जो सिंपल मशीन बेटे इंक्लाइन क्रेन मुझे तो नजर आ रही है, स्क्रू ड्राइवर नजर आ रहा है मुझे, क्रेन्स नजर आ रही है। अब बेटे जो सिंपल मशीन इसमें यूज हुई हुई है आपने वो खुद मार्क करनी है, दिस टास्क इज जस्ट फॉर यू, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइजेस जो है वो आपको हार्ड कॉपीज की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आपको स्कूल से जो है वो मिल जाएंगे, आप काइंडली वो रिसीव कर अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए बेटे, एंड डू लर्न इट। आपकी होमवर्क डायरी नेक्स्ट इज you have to read the whole chapter 10 and learn all the word pages, जितने भी word pages हैं इसमें आपको वो भी fill भी करने हैं और learn भी करने हैं। along with this all parts of the exercise, आपके exercise के part A, B, C, D जो भी हैं आपने वो read भी करने हैं और याद भी करने हैं बेटे। ये पूरा lecture आपको आपके Garrison School System के YouTube channel पर भी available होगा, आप वहां से भी जो है वो इसे देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।